हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की ऊर्जा पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने एक नया अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेली लेटेस्ट अपडेट जो भी आते रहते हैं कंटिन्यू, हम आपको सबसे पहले हर एक जानकारी देते हैं। तो एचकेआरएन के अंदर जो फोरम चल रहे हैं, 20 तारीख जो अदर से फोरम आ रखे थे हायर सैलरी के, वो लास्ट डेट हो चुकी थी। उसके बाद में अभी फोरम ऑनलाइन है। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है बिल्कुल अपने अपने जिले का नाम देखकर अपने अपने जिले का ही फोरम भरना, क्योंकि मेरिट लिस्ट उसी के बेस पर बनती है, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ट्रांसफर का जो पॉलिसी वगैरह चल रही है, अपना अपना ट्रांसफर जो भी स्टूडेंट करवाना चाहते हैं, अगर किसी दूसरे जिले में आप नौकरी कर रहे हैं, अपने होम टाउन आप आना चाहते हैं, तो अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये भी जानकारी हमने आपको दी थी। हर एक जानकारी जो भी आती है आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में हर एक जानकारी मिल जाती है। अगर यूट्यूब पर तो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आज ही यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और एचकेआरएन के अंदर 9000 जो जेबीटी टीचर्स की भर्ती आ रखी है, सबसे ज्यादा नू मेवात के अंदर आ रखी है। तो जो भी मेरी बहन इस वीडियो को सुन पा रही है, जेबीटी टीचर लगना चाहती है, अगर आपने जेबीटी कर रखी है तो आखिरी मौका मिलने वाला है हरियाणा के अंदर, आपको पता होगा। क्योंकि जेबीटी वालों का जो मामला चल रहा है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एचकेआरएन के तहत भी अनुबंधित आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल रहा है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, घर पर ही रह के आप काम कर सकते हैं अपने होम टाउन पर ही, तो बिल्कुल आराम से आप फॉर्म भरिए। जो लेटेस्ट अपडेट आया है मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाती है। सभी बच्चों को जो भी जानकारी चाहिए कभी भी कॉमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कभी भी कॉमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एचकेआरएन के अंदर जो 9000 जेबीटी टीचर्स की भर्ती आई है उसका क्या मामला, एक बार आपको दिखाएंगे, बताएंगे डिटेल से, पूरा वीडियो पर बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, अपडेट आप सभी के सामने रहने वाला है कि प्रदेश में नायब सरकार अनुबंध के आधार पर जेबीटी समेत करेगी 9000 भर्तियों पर। 9000 जो भर्तियां हैं वो आप सभी के सामने आ चुकी है एचकेआरएन के अंदर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने नू जिले में सरकारी स्कूलों के प्राइमरी जेबीटी जो शिक्षक है भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके बाद ही विभिन्न जिलों के अंदर अलग अलग पदों पर करीब 9000 भर्तियां होनी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर यह भर्ती होगी। आपको मैं बता देता हूं, जो फॉर्म भरना चाहते हैं भर लीजिए, 9000 पोस्टें आ चुकी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के जो शिक्षकों के 26000 से अधिक जो पद खाली पड़े हुए हैं, सबसे अधिक बुरी स्थिति नू जिले की है, जिसमें सुधार को लेकर सरकार काफी गंभीर जो दिखाई दे रही है। पिछले दिनों में हरियाणा सरकार ने कौशल निगम के माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती की थी। लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श को आचार संहिता लगने के कुछ शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं मिल पाई, और अब जो नियुक्तियां हैं वो मिल जाएंगे। अब जो इन शिक्षकों की नियुक्तियों का जो काम जारी है, निगम के जरिए 9000 शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत 9 जिले में जेबीटी शिक्षक भर्ती को आरंभ करने के लिए की जा चुकी है। इसके लिए 28 जून तक आवेदन का मौका दिया गया है। 28 जून तक जो फॉर्म भरना चाहते हैं सभी अपना फॉर्म भर लीजिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर 10 कैटेगरी के अंदर भर्तियां चल रही हैं। इन भर्तियों के अंदर नू जिले के अंदर प्राइमरी टीचर की है, अंबाला जिले के अंदर भी है, चंडीगढ़ के अंदर भी है, पंचकुला के अंदर भी है, रोहतक के अंदर भी है, गुरुग्राम के अंदर भी है, जिसके लेकर अकाउंटेंट की पोस्ट है। भिवानी और फरीदाबाद के लेकर असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। पंचकुला के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट जो जनरल मैनेजर होता है अकाउंटेंसी के लिए उनकी पोस्ट आ रखी है। फरीदाबाद के अंदर जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट आ रखी है। कैथल और पंचकुला सोनीपत के लिए जो लो असिस्टेंट होते हैं, लीगल जो असिस्टेंट हम बोलेंगे, उनकी पोस्ट आ रखी है। पलवल के लिए प्रोग्रामर की पोस्ट रहेंगे, और इसके आगे करनाल के लिए शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट रहेंगे। चंडीगढ़ और पंचकुला के लिए सुपरवाइजर आईटी की पोस्ट आ रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट की पदों पर भर्ती होने वाली है। इन पदों के लिए 23000 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपको मैं 28 जून तक का मौका दिया जा रहा है। 28 जून तक आप इसके फॉर्म भरना, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं बिल्कुल आराम से फॉर्म भर लीजिए। जिले वाइज मैंने रिक्त पद है, डिमांड आधार पर फैसला लिया है, और शिक्षा विभाग में 23000 से जो
भारतीय हैं आपत्तित हो रही हैं, उनकी मांग मांगी गई है कि जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं, जो स्थिति सरकारी स्कूलों की हो रही है उसको सुधार के लेकर 9000 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। नूह जिले के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षक के पद है, तो शिक्षक के पदों पर कोई भी मेरी बहन लगना चाहती है, नूह जिले से इस वीडियो को सुन पा रही है, तो बिल्कुल आराम से अपना फोन नंबर ये नूह जिलों के अंदर भी जो भी स्टूडेंट जेबीटी पास है, सबसे पहले तो नूह के अंदर जो भी मेरी बहनें होंगे, जो भी मेरे भाई होंगे जेबीटी जिन्होंने कर रखी है, उनको मौका मिलेगा। फिर दूसरे जिले से स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, अगर जो खाली पोस्ट होंगे वो कंप्लीट नहीं होती हैं तो दूसरे जिले वालों को मौका मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो भी फॉर्म भरेंगे, सबसे ज्यादा नूह जिले वाले फॉर्म भरना, और जहां जहां पर ये पोस्ट आ रही है अपना अपना फॉर्म सभी स्टूडेंट टाइम टू टाइम लगाते रहिए। तो आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी जानकारी होती है, सबसे पहले पाने के लिए आज ही आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। भाई और बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।